हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी, तीज के एक रात की पहले की है, ये पहले का है ये वीडियो। और मैं अपने हाथ से लगाई थी मेहंदी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप ले लूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और पीछे वाली साइड में मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो वही डिज़ाइन, मतलब मुझे बहुत अच्छा तो नहीं आता है मेहंदी, पर जो आता है वो आप लोग के सामने ही है और वही हल्का फुल्का आता है, तो मैं लगा लेती हूँ। एक हाथ में मैं खुद लगा लूँगी और एक हाथ में मैं लगवा लूँगी सामने, एक मतलब सामने वाली भाभी के घर जाकर लगवा लूँगी मैं मेहंदी। तो अभी मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि मतलब मेहंदी मैंने कैसी लगाई है। तो मेहंदी तो मैंने लगा लिया है, अब जो अंगूठा होता है वो सब फील कर लूँगी। तो तीज का त्यौहार ही होता है सजने धजने का, मेहंदी लगाने का ये सब। अब पहले मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद थी, पहले मतलब मैं मेहंदी लगाना सीखी नहीं हूँ, पर मुझे आता था, मेरा ड्राॅइंग बहुत अच्छा था, इसकी वजह से मुझे मेहंदी लगाना भी आ गया था और मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी। पर अब जो है ना, वो सारे मतलब सारे डिज़ाइन वगैरह सब भूल गई हूँ। तो अभी मेहंदी लगा लेने के बाद से मैं सो गई थी, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का है ये। तो मैं दिखा रही हूँ कि सिलबट्टे पर मैंने मसाला पीस लिया है, और ब्लॉगिंग जो है वो किचन से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये वाला जो ब्लॉग है वो तीज के एक दिन पहले का है, तो मैंने सोचा कि मेहंदी वगैरह भी मतलब मैं लगाई थी, और पड़ोसन आई थी उनको मैंने लगाया था मेहंदी, तो चादर जो है थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो त्यौहार का दिन भी है और थोड़ा गंदा भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो चेंज कर लेती हूँ। चादर चेंज करने के बाद से शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो लाइट बाहर का जला दूं, और आजकल तो शाम जो है बहुत जल्दी ढल जा रहा है। पहले 7-7:30 बजे शाम होती थी, पर अब 6:30 बजे ही। और आप पसीना मेरे पीठ पे देखिए कितना सारा पसीना हो रखा है। तो ये जो आगे वाला कर्टन है इसे मैं हटा लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गया था, तो शाम को वैसे हटा देती हूँ, दिन भर इसे मतलब पैक रखती हूँ, शाम को हटा देती हूँ, और फिर मैं आ जाती हूँ दिया जोड़ने के लिए। और हाँ, आप लोग से बातें कर रही थी कि आजकल शाम जो है कितना जल्दी हो जा रहा है ना, और अभी तो जितना मतलब दिन जाएगा, जैसे कि मतलब अभी तो अगस्त है और जब सितंबर आएगा तब तो और जल्दी दिन ढलेगा, ऐसे धीरे धीरे करते करते 5 बजे दिन ढल जाएगा। तो मुझे जब जल्दी दिन ढल जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लंबा जो दिन होता है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, कि 7 बजे तक जो है उजाला ही उजाला है। ठंड मुझे वैसे ही, ठंड मुझे बहुत पसंद है। तो अभी हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा, बारिश तो नहीं हुई है पर मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, शाम को थोड़ा सा हल्की फुल्की ठंड लगती है। पर अभी चलिए देखिए इस साल ठंड कब तक पड़ती है। तो अभी देखिए मैं दिया जोड़ लेती हूँ, मैंने दिया जला दिया है और दिया मैं गेट पे रख दूँगी, तो यहाँ पर अंदर वाली पूजा जो है वो हो जाती है, और बाहर के लिए मैं धूप बना लूँगी, ताकि धूप जो है गेट पे भी मैं रख सकूँ। तो एक धूप बाहर रख देती हूँ, एक धूप अंदर रख देती हूँ। धूप जलाने से ये होता है कि थोड़ा सा वातावरण जो है बहुत अच्छा हो जाता है, इसकी सुगंध से ना शाम की पूजा और सुबह की पूजा में जब इसकी सुगंध से पूरे घर में बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं मतलब धूप जला देती हूँ गेट पे और एक अंदर। तो अभी देखिए संध्या पूजा हो गई है, फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। मसाले तो मैंने पीस ही लिया था, तभी मैंने रख दिया तेल गर्म होने के लिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया लॉन्ग बीन्स बोलिए या बोड़ा बोलिए, हमारे यहाँ तो बोड़ा ही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तभी मैं इसे हल्का सा सौते कर लूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं इसे भूनना है, बस हल्का सा सौते ही करना है, ताकि जो बोड़ा है ना ये ग्रीन ग्रीन ही दिखे, अगर ग्रीन ग्रीन ही दिखता है तो ही सब्जी अच्छी लगती है। तो अभी देखिए सौते हो गया है, और ये सारे मतलब बोड़ा जो है मैं निकाल लूँगी। तो अभी मैंने इसे निकाल दिया है, फिर मैंने थोड़ा सा तेल उसी कढ़ाई में लिया है, अब बस मेथी दाना थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम मैंने मेथी दाना यूज़ किया है। जब मेथी दाना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, अब प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, इसे सौते नहीं करना है, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। तभी देखिए मैंने जो मसाला पीसा था उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया है, मसाला मैंने एक कटोरी में रख दिया था। तभी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। तभी मैंने मसाला भी डाल दिया है और इसे अच्छे से भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक कि मतलब मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। और आज मैंने धनिया डाला है, धनिया मैं बहुत जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ,
पर आज मैंने अपने मसालों में धनिया का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे थायराइड है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज धनिया मसाले में भी मतलब पीस लेती हूँ मैं। तो सिलबट्टे का पीसा हुआ जो मसाला होता है उसकी सब्ज़ी आप बना के देखो, इतनी टेस्टी बनती है कि क्या मैं बताऊँ आपसे। और मसाला मतलब मिक्सर में मैं पीस लेती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, पर आज सिलबट्टे की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि सारी सब्ज़ी जो है वो ख़त्म हो गई थी। तभी देखिए मैंने आलू और बोड़ा उसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके उसे भूनने के लिए छोड़ देती हूँ, कवर कर देती हूँ और फिर इसे लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी ताकि जो है ये भून जाए अच्छे से सब्ज़ी। स्वागत है। तो अभी देखिए मैंने सब्जी जो है छौंक दिया है, तो सब्जी पक रही है और मुझे देखिए कितना पसीना हुआ, पूरा बाल वगैरह सब मेरा भीग गया है, ये देखिए सब पूरा फार वाल भीग गया है। तो मैं आज गई थी शॉपिंग, मैंने किया है थोड़ा सा तीज के लिए, वैसे तो सब कुछ था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ मैंने तीज के लिए क्या क्या लाया है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने क्लेचर लिया है, ये देखिए ये बहुत मतलब ख़राब नहीं होता है जल्दी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने दो ले लिया, एक अपने लिए एक क्षमा के लिए, और बाकी सब तो पूजा के सामान है। और चूड़ी मेरे पास थी, बस मुझे साफ चूड़ी थोड़ी सी चाहिए थी, तो एक मिनट कैमरा हिल रहा है, तो मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ लाई है, ये देखिए थोड़ी सी चूड़ी ली हूँ, बाकी सारी चूड़ी जो है मेरे पास है। अभी लक्ष्मी की सगाई में मैंने लिया था चूड़ा, तो वो भी है, वो भी साफ ही है, पर उसे मैं नहीं पहनूंगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही ले रही हूँ, इससे मतलब थोड़ा थोड़ा नया भी रहेगा, कुर्रा मतलब साफ रहेगा, और थोड़ा मैं पुराना वाला मैं मतलब मिलाकर पहन लूँगी। और ये लाई हूँ ईयरिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ईयरिंग कैसी लगी, मुझे बहुत प्यारी लगी, तो इसलिए मैंने ईयरिंग ले लिया कि कानों में जो है ईयरिंग रहेगी, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, तो ये सेट मैंने ले लिया और बहुत अच्छे प्राइस पर मुझे मिल गया। और बाकी सब कुछ जो है पूजा के सामान है, और एक नेल पेंट मैं लाई थी अपने लिए, मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं, और ये एक नेल पेंट लाई थी, किधर गया एक मिनट, ये है कलर ब्रश का है ये, तो ये मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा है रेड कलर का, क्योंकि साड़ी ये येल्लो कलर की है, ब्लाउज रेड है, तो मैं रेड का ही सब कुछ, जो चूड़ी वगैरह है और नेल पेंट है ये सब मैं रेड का ही कॉम्बिनेशन बना के चल रही हूँ, तो बस इतना ही लिया है। और यहाँ पर देखिए शिव पार्वती जी की मूर्ति है, नारियल है, ये पूजा का सामान है जैसा जो मैं चढ़ाऊँगी, बस चढ़ाने छूने वाला ही सामान है, बाकी सारा तो हस्बैंड लेकर ही आ रहे हैं, शाम तो हो ही गई है। और मैंने और यहाँ देखिए सब मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि रुपेश के सर आते हैं ना तो साफ साफ पूरा घर दिखता है, तो इसलिए ये पर्दा मैं खींच देती हूँ कि मतलब अंदर वाले रूम से जो है यहाँ का मतलब ना दिखे। तो अभी आए नहीं है तब तक मैं पर्दा खोल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्जी में तड़का लगाया है, तो पूरा घर जो है ना तड़के के जैसा ही लग रहा है। तो चलिए अभी सब्जी फिर से चला लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे रोटी बनाना है, और आज आ रही है क्षमा, तो क्षमा से आप लोग से मिलवाऊँगी, तो चलिए अभी मैं सब्जी चला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। चलिए अभी सब्जी को चेक कर लेते हैं कि सब्जी जो है वो बन गई है कि अभी नहीं, तो मैं लिड इसका हटा दूंगी, उसके बाद इसे चेक करूंगी, बस थोड़ा सा और रह गया था, मैंने अभी टमाटर इसमें डाल दिया था, फिर इसे कवर करके छोड़ दी हूँ, और बस 5-10 मिनट के बाद सब्जी जो है बन गई थी। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए प्लीज़ फ्रेंड। तभी देखिए सब्जी मैंने चला लिया है, पानी भी डाल दिया है, और बस मुझे 5-10 मिनट और इसे छोड़ना है, इसके बाद सब्जी जो है बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए रुपेश आया है कुछ लेने के लिए, इसकी साइकिल में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, तो ऊपर जो है टूल बॉक्स रखा है, तो वह उसी टूल में से कोई टूल लेने आया था अपनी साइकिल के लिए, तो जब भी वो कभी भी कोई भी सामान एक बार लेने जाएगा ना, तो जान जाइए कि उसकी साइकिल बिगड़ गई है, वो ज़रूर टूल का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद जब सब्जी बन गई थी तो उसी कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके मैंने उसी में घी निकाला था, तभी मैंने दिखा मतलब मैं अभी आप लोग को दिखा रही थी कि घी कितना है, कितनी मलाई मैंने इकट्ठा की है, 1 हफ्ते की मलाई है, तो वही मैंने उसे अच्छे से मतलब मथ लिया था, और मैं मिक्सर में नहीं मथती हूँ, हाथ से ही मथ लेती हूँ, तो जो घी निकला था वो घी मैंने ले लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स इतना सारा घी जो है वो निकल गया है, तो इसे अब डब्बे में भर दूंगी बच्चों को मतलब रोटी में डालने के लिए, दाल वगैरह में मैं घर में ही घी निकाल लेती हूँ, और निकल भी जाता है अच्छे से, बच्चे भी खा लेते हैं। फिर क्षमा आ गई थी तो उसको चाय पानी सब देने में लग गई थी, और क्षमा के हस्बैंड भी थे तो उन्हीं लोग से बातें कर रही थी मैं, देखिए क्षमा का तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे घर आ गई है, तो यही सब बातें हो रही थी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लव यू।